हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप लोग का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और ये देखिए मैं आलू ली हूँ, 6-7 केजी आलू है। इसे अच्छे से वाश कर ली हूँ और इसका आज मैं चिप्स बनाऊँगी। तो ये कद्दूकस ले ली हूँ और ये देखिए ऐसे स्लाइस में मैं इसे काट ले रही हूँ। तो सारे आलू को ऐसे ही इसमें काट लूँगी और काफ़ी आसानी से इसमें कद्दूकस हो मतलब कद्दूकस में चिप्स बन जाते हैं। तो ये देखिए अभी इतना बना है, अभी बहुत सारे और बनाने हैं तो जल्दी जल्दी मैं बना लेती हूँ। ये देखिए मतलब पतला होना चाहिए, मोटा ज़्यादा नहीं, ऐसे धूप में अच्छे से सूख जाएगी फिर ये। तो इस स्लाइसेस के रूप में इसे अच्छे से काट लूँगी। उसके बाद मैं पतीले में पानी गर्म कर रही हूँ। तो ये जो आलू अभी काटी थी उसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। और जब पानी हमारे अच्छे से खौल जाएगी, खौलने के बाद इसमें मैं नमक डालूँगी। और नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, आलू में सेट हो जाना चाहिए उतना ही नमक डालेंगे। तो नमक मैं डाल दी हूँ और इसके बाद जो आलू काटी थी उसे इसमें डाल दूँगी। पानी अच्छे से खौल जाना चाहिए, उसके बाद ही आलू डालेंगे इसमें। तो मेरे सारे आलू इसी में आ चुके हैं। तो अब इसे मैं ढक दूंगी और इसे चलाते रहना है बीच बीच में। इसको मतलब यहाँ से हटना नहीं, इसे लगातार चलाते रहना है। और इसे मैं चेक करके अभी देखती हूँ ये हुआ कि नहीं। तो जब अच्छे से टूट जाए हाथों से तो ये हमारा हो गया है। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और मैं अब छत पे आ गई हूँ। तो इसे मैं सुखाऊंगी। तो कपड़े मैं छत पे बिछा ली हूँ और उसके ऊपर मैं आलू को फैला देती हूँ। चिप्स जो मैं काटी थी उसे फैला दे रही हूँ। तो चलिए सभी को फैला लेते हैं। और ये 2 दिन में अच्छे से सूख जाएंगी, क्योंकि धूप अभी बहुत ही अच्छा तेज़ हो धूप होता है। तो 2 दिन इसमें बहुत ही अच्छे से सूख जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा आलू सूख चुका है। और इसकी आप आवाज़ सुनिएगा, मैं आपको आवाज़ सुनाती हूँ कितना अच्छा, मतलब सूखने के बाद ऐसे ही आवाज़ें आती है, ये देखिए। तो ये 2 दिन में बहुत ही अच्छे से सूख चुका है। तो अब मैं इसे आपको तल के दिखाती हूँ। और ये देखिए तल लेते हैं। और इसे आप इसके ऊपर ना चाट मसाला और काला नमक डालकर खाइए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम सालों भर स्टोर कर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है ये। और इसे आप दाल चावल के साथ या जो हम खिचड़ी बनाते हैं उस पे आप इसे खाइए तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा।